देश देशांतर से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं निखिल सिंह। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर कल रवाना होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में आज मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री कल सवेरे जोहानसबर्ग के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री जोहानसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वो सम्मेलन कल शुरू होगा और 24 अगस्त तक चलेगा। विदेश सचिव ने बताया कि कल शाम प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा होने की आशा है। विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री ब्रिक्स अफ्रीका संपर्क और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भाग लेंगे। विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने जुलाई 2016 और जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। विदेश सचिव ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है। वर्ष 2019 के बाद ये पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है। विदेश सचिव ने बताया कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भाग ले रहा है। विदेश सचिव क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 25 अगस्त को ग्रीस के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 1983 में ग्रीस की यात्रा की थी। विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि ग्रीस भारत का महत्वपूर्ण यूरोपीय भागीदार है। उन्होंने कहा कि भारत और ग्रीस दोनों न केवल आधुनिक लोकतंत्र हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो लिंक के जरिए मध्य प्रदेश रोजगार मेला को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नियुक्ति पत्र पाने वाले लोग इस ऐतिहासिक काल में अध्यापन के महत्वपूर्ण दायित्व से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेला के दौरान आज मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त 5,500 से अधिक शिक्षकों को अपनी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से मध्य प्रदेश में लगभग 50,000 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसका विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करने में बड़ा योगदान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी को एक समान महत्व दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार सिलेबस में अब क्षेत्रीय भाषाओं को पुस्तकों पर बल दे रही है, जो देश की शिक्षा प्रणाली में बड़े परिवर्तन का आधार होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सकारात्मक सोच, सही नियत और पूरी ईमानदारी के साथ निर्णय किया जाता है तो संपूर्ण वातावरण सकारात्मकता से भर जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पिछले 5 वर्षों के अंदर 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईटीआर डेटा के अनुसार 2014 में औसत आय 4 लाख रुपए थी और यह 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि निम्न आय वर्ग से उच्च आय वर्ग में जाने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न के नए आंकड़ों की चर्चा करते हुए कहा कि ये देश के नागरिकों का सरकार में निरंतर बढ़ता विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बड़ी संख्या में लोग ईमानदारी से अपना टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रणाली से चोरी रोके जाने के परिणाम स्वरूप सरकार गरीब के कल्याण पर खर्च बढ़ाने में सक्षम हुई है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर निवेश से देश के प्रत्येक कोने में रोजगार सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना समाज के उस वर्ग को लाभ देगी जिसके
महत्व की चर्चा तो होती थी, लेकिन उसकी स्थिति के सुधार के लिए कभी भी कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा बनाए गए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT कर्मयोगी की चर्चा की और नवनियुक्त शिक्षकों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सैन्य कर्मियों की पत्नियों की प्रेरणादायक कहानियां अस्मिता कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सभी भारतीयों की ओर से वीर नारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने वीर नारियों की प्रशंसा की जिन्होंने अस्मिता आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी समाज और राष्ट्र की गरिमा महिलाओं के आत्मगौरव पर आधारित होती है। उन्होंने पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपति ने पुरानी कहावत हर सफल पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला होती है का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नई कहावत यह होनी चाहिए कि हर सफल पुरुष के साथ एक महिला भी होती है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वेनेजुएला, कोलंबिया, अल्जीरिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के राजदूत और उच्चायुक्तों से एक परिचय पत्र स्वीकार किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने COVID-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और निस्वार्थ सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने हमारे सभ्यतागत लोकाचार में अपना विश्वास व्यक्त किया और अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी मदद की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के 48वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने चिकित्सा क्षेत्र में उच्च मानक स्थापित करने के लिए संस्थान की प्रशंसा की और कहा कि सेवा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और कर्तव्य की गहरी भावना अन्य सभी के लिए अनुकरणीय है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे कमजोर वर्गों को एक सुरक्षा कवच दिया गया है जो पहले उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के लागू न होने पर कई परिवार वित्तीय रूप से बर्बाद हो गए होते। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज राज्यसभा के 8 अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में उन्हें शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र राय, केसरी देव सिंह, दिग्विजय सिंह झाला, बाबू भाई जेसंग भाई देसाई और तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर राय, प्रकाश चिक बरआईक और समीरुल इस्लाम ने भी शपथ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि की। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और कई अन्य मंत्रियों ने भी समारोह में शामिल होकर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि बाबूजी के मार्गदर्शन में भाजपा उत्तर प्रदेश में फली फूली और जनता तक पहुंची। अमित शाह ने कहा कि कल्याण सिंह के 3 लक्ष्य थे। पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को तेज करना। दूसरा, गरीब कल्याण। और तीसरा, सामाजिक समरसता को बिगाड़े बिना पिछड़े वर्ग का उत्थान करना। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों गरीबों को घर, भोजन, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान करके बाबूजी के आदर्शों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह आज संतुष्ट महसूस कर रहे होंगे। उन्हें इस बात पर गर्व हो रहा होगा कि जिस काम के लिए उन्होंने 1992 में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी वो काम पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने COVID-19 की वर्तमान स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वैश्विक स्तर पर SARS-CoV-2 वायरस के
कुछ नए वेरिएंट्स का पता चलने की हालिया रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक की गई। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने के लिए अपने सहयोगी द्रविण मुनेत्र कड़गम के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य का बड़ा हिस्सा सूखे का सामना कर रहा है और कर्नाटक सरकार के अन्य दलों से परामर्श किए बिना पानी छोड़ने के फैसले से किसानों की परेशानी बढ़ जाएगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन लगभग 2 महीने की अल्प अवधि के भीतर राज्य में किसान आत्महत्या के 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी चीन की बात क्यों कर रहे हैं, उन्होंने तो खुद चीन के साथ दोस्ती की है। श्रीनगर में पंचायतों के सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला पूरी हुई। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी औपचारिक शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में एक नाबालिग लड़की से कथित दुष्कर्म के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कावेरी नदी के जल बंटवारा मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ गठित करने पर सहमत हो गई है। मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त 3 रिटायर्ड महिला जजों की कमेटी ने 3 रिपोर्ट सौंपी हैं। सीबीआई ने सॉलिसिटर जनरल को रिपोर्ट देखने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को रिपोर्ट देखकर सहयोग करने को कहा। बिहार की जाति आधारित सर्वे पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 28 अगस्त के लिए टाल दी गई है। दिल्ली के पुल बंगश इलाके में 3 सिखों की हत्या से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 29 अगस्त के लिए टल गई है। चंद्रयान 3 का चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान 2 ने स्वागत किया है। दोनों अंतरिक्ष यानों का संपर्क स्थापित हो चुका है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है। इसरो ने बताया है कि दोनों के बीच 2-way कम्युनिकेशन स्थापित हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तट के नजदीक चल रहे मालाबार युद्धाभ्यास का आज समापन हो गया। युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से स्वदेशी तौर पर निर्मित विध्वंसक INS कोलकाता, फ्रिगेट INS सह्याद्री और P-8I समुद्री गश्ती विमान शामिल हुए। वित्त मंत्रालय का चिंतन शिविर केवड़िया में शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न विभागों के वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सचिवों के साथ वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की शिविर में भागीदारी रही। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां और आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD News पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री ने अमृतकाल के दौरान वित्त मंत्रालय की भूमिका पर बातचीत की। शिविर में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने चिंतन शिविर के दौरान कहा कि सरकार ने उपलब्ध संसाधनों और अनुभव के विशाल पूल का इष्टतम उपयोग किया है।
प्याज की महंगाई से आम लोगों को राहत देने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 25 रुपए प्रति किलो के रियायती भाव पर प्याज की बिक्री शुरू की। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सरकार ने 300 लाख मीट्रिक टन प्रारंभिक खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इस वर्ष प्याज की बफर की मात्रा को बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। केंद्र सरकार के प्रयासों से टमाटर की कीमतों में भी लगातार गिरावट आ रही है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर की खुदरा बिक्री 14 जुलाई 2023 से शुरू हुई थी। एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा खरीदे गए टमाटरों की खुदरा कीमत शुरू में 90 रुपए प्रति किलोग्राम तय की गई थी, उसे बाद में 50 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया था, जो अब 40 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के अनुसार 1 अप्रैल 2026 के बाद टैक्स बंटवारे का अनुपात तय करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन नवंबर के अंत तक हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 22 अगस्त 2023 को भारत न्यू कार असिस्टेंट प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। अदानी समूह की कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए शहर में 2 नई ट्रांसमिशन लाइन बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है। शेयर बाजार सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 267 अंकों की उछाल के साथ 65216 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो ये 83 अंक ऊपर चढ़कर 19,393 के स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली में आज का सोने का रेट 24 कैरेट के लिए 59,220 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट के लिए 54,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और चांदी आज 70.50 रुपए प्रति ग्राम और 70,500 रुपए प्रति किलोग्राम कारोबार करती रही। थाईलैंड की पॉपुलिस्ट फेई थाउ पार्टी ने अपने पूर्व सैन्य प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है। उम्मीदवारी के लिए मंगलवार को संसद में वोटिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री के लिए 250 सदस्यों वाली सीनेट और 500 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में संयुक्त रूप से 375 वोट की जरूरत होगी। बीते महीने पिटा लिमारुजो एनराट प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। थाई संसद ने उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ मतदान किया था। स्पेन के आइलैंड टेनरिफ इलाके के जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है। इमरजेंसी सर्विसेज ने यहां से 26,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। आग का असर करीब 50 किलोमीटर इलाके में है। करीब 12 एकड़ क्षेत्र अभी जलकर भस्म हो चुका है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में लगभग 400 जंगलों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में के एक क्षेत्र में आग लगने के कारण कई घर और इमारतें तबाह हो गई हैं। तूफान हिलरी कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के बाद अमेरिका के दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका में भारी बारिश और तेज हवाओं से पहले ही दक्षिण कैलिफोर्निया में तबाही लानी शुरू कर दी है। ब्रिटिश की सीरियल किलर नर्स लूसी लेबटी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर 7 नवजात शिशुओं की हत्या करने और 6 ही अन्य को मारने की कोशिश करने का दोष साबित हुआ है। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने जस्टिस गॉस ने लूसी लेबटी की हरकतों को क्रूर बताया। लूसी उम्र कैद की सजा काटते हुए कभी भी पैरोल नहीं ले पाएंगी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ में होगी। वहीं हार्दिक पांड्या को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। एशिया कप के लिए घोषित वनडे टीम में पहली बार तिलक वर्मा को जगह मिली है। वहीं संजू सैमसन को बैकअप के रूप में रखा गया है। भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने 33 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारतीय स्टार शटलर HS प्रणॉय ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के शुरुआती दौर में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी ने भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा।
युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने भी आसान जीत के साथ पहले दौर की बाधा पार कर दी है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफएसी ने 132वें इंडियन ऑयल डूरंड कप में पहली बार खेल रहे कश्मीर के डाउनटाउन हीरोज एफसी पर 3-1 से जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के नाओ लॉयल्स ने रविवार को बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ब्रिटेन की कैटरीना जॉनसन थॉम्पसन ने बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में हेप्टाथॉलन स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कोको गॉफ ने यूएस ओपन से पहले हार्ड कोर्ट पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सिनसिनाटी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। यूएस ओपन के पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को हराकर सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीतने में सफलता पाई। वेस्टहैम यूनाइटेड ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए चेल्सी के खिलाफ लंदन में शानदार जीत हासिल की। वेस्टहैम की ओर से डिफेंडर नाइफ यूएल माइकल एंटोनियो और लुकास पेक्वेटा ने गोल किए, जबकि कार्नी चुकुए पेका ने चेल्सी के लिए एकमात्र गोल किया। मौजूदा ला लीगा चैंपियन बार्सिलोना ने कैडिस पर 2-0 की जीत दर्ज की। गौरतलब है कि यह उनका इस सत्र का सब पहला घरेलू मैच था। एस्टन विला ने विला पार्क में एबर्टन को 4-0 से हराकर अपने शुरुआती प्रीमियर लीग की हार से उबरने में सफलता पाई। निमा डेंजोगप्पा और तेरे इश्क से घायल जैसी टीवी शो में देखे गए एक्टर प्रभात चौधरी ने परिणीति शो में मॉन्टी का किरदार निभा रहे एक्टर ऋषि ग्रोवर की जगह ले ली है। एक्टर नवीन शर्मा ने अपनी शादी के बाद शो कुमकुम भाग्य के साथ टीवी स्क्रीन पर वापसी की है। फिल्म घूमर की अभिनेत्री सयामी खेर को उनके अभिनय के लिए काफी तारीफ मिल रही है। बिग बी ने भी सयामी की तारीफ की है। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। गदर 2 के साथ रिलीज हुई अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म ओएमजी 2 भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर टक्कर मिलने के बाद भी सिनेमाघरों में डटी हुई है। इन दोनों फिल्मों ने एक दिन पहले रिलीज होने के साथ साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर ने बॉक्स ऑफिस पर मुनादी ला दी है। सनी लियोनी, अनुराग कश्यप और राहुल भट्ट ने अपनी फिल्म कैनेडी के साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 4वें एडिशन में धूम मचा दी। साउथ के दिग्गज अभिनेता महेश बाबू अपनी आने वाली फिल्म गुंटूर करम को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। पवन कल्याण और साई तेज की फैंटसी कॉमेडी फिल्म ब्रो सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम मचाने के लिए अब तैयार है। लोकप्रिय एक्टर पंकज त्रिपाठी के पिता पंडित बनारस तिवारी का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकज उस समय उत्तराखंड में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। और दुनिया में शहनाई को नई पहचान देने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की आज पुण्यतिथि है। बिस्मिल्लाह खां साहब 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिन भर की सुर्खी